आज हम बताने जा रहे हैं पुलिस के वो इनकाउंटर के बारे में जो महज 3 घंटे में बिहार पुलिस की टीम यानी डीजीपी आरएस भट्टी की टीम ने 3 घंटे में 2 अपराधी को ढेर कर देते हैं, यानी यूं कहिए इनकाउंटर में मार गिराते हैं। आपको याद होगा कि डीजीपी जैसे ही बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी बने थे तो उन्होंने पुलिसिया कार्रवाई को लेकर एक शब्द कहा था, जो वो शब्द आज सही होते हुए नज़र आया, जो वो शब्द कल सही होते हुए नज़र आई थी जब पुलिस ने इनकाउंटर की थी। उन्होंने साफ तौर से कहा था कि पुलिस को भगाना शुरू कर दीजिए, जब पुलिस को भगाना शुरू करिएगा तो अपराध का ग्राफ खुद ब खुद नीचे आ जाएगा, क्योंकि अपराधी तो सोचेंगे कि अब भगाने का काम पुलिस कर रही है तो जाए कहा, या तो अपराध की दुनिया को अलविदा कह दें या फिर अपने कामों को अंजाम देने से पहले 1000 बार सोचें। जी हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से वैशाली के सराय चौक के पास जो घटना हुई लूट के दौरान, देखिए चल रहा था वाहन जांच के दौरान, लेकिन वाहन जांच हो रही थी किस लिए, वो लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हुए थे और उसके बाद पुलिस जाल बिछाती है और जांच का दायरा बढ़ाती है। उस जांच का दायरा बढ़ाने में पुलिस उस अपराधी को रोकती है, पुलिस को ये पता नहीं था कि लूट करने वाला यही अपराधी और यही शख्स है। उसके बाद उसे रोका जाता है, रोकने के बाद वो खुद को डर के साए में महसूस करता है और बिना सोचे दिन दहाड़े पुलिसकर्मी पर 4 गोली बरसा देती है। यानी बिहार में जिस तरीके से पुलिसकर्मी की मौत हुई है यह कहीं ना कहीं सोचने वाली बात थी, सवाल खड़े होने लगे, जिसके बाद पुलिस भी एक्शन में आई। आखिर अपने पुलिसकर्मी की शहादत खाली कैसे जाने देते हैं। बिल्कुल सही बात है, आई सैल्यूट यू बिहार पुलिस, न्यूज़ प्यार आपको सैल्यूट करती है कि महज 3 घंटे के अंदर बड़ी कार्रवाई करते हुए अपराधियों का पीछा करते हुए 2 अपराधी को पुलिस इनकाउंटर में मार गिराती है। वह जगह वह वक्त ऐसी थी जब पुलिस ने घेराबंदी की, चारों तरफ नाकाबंदी की। हालांकि वहां के एसपी एसएसपी ने साफ तौर से कहा कि अपराधी को पकड़ लिया गया था लेकिन वो भागने लगा, पुलिस पर दोबारा हमला करने का प्रयास किया गया, इसीलिए उसे इनकाउंटर में मार गिराया। अब इसका जांच दायरा बढ़ाया गया और जिस तरीके से अब अपराधी जो मंसूबे लेकर घूम रहे थे बिहार में वो सावधान हो जाए, क्योंकि डीजीपी आरएस भट्टी की टीम अब गलत करिएगा तो ठोकने से परहेज नहीं करेगी। जो कल तस्वीर देखे तो अपराधी हो जाए सावधान, क्योंकि अब बिहार पुलिस ने ठान लिया है कि गलत करिएगा और अगर पुलिस कर्मी पर गोली चलाइएगा तो बख्शा नहीं जाएगा, आपको ठोक दिया जाएगा घेराबंदी कर। ठीक कल उसी तरह से हुआ कि वैशाली में लूट के दौरान अपराधी भाग रहे थे, पुलिस चेकिंग कर रही थी, उसी दरमियान एक बड़ा कार्रवाई पुलिस ने किया, अपराधी तो पुलिस को ठेंगा दिखाते हुए फरार हुए लेकिन पुलिस की ईगो की बात थी और उसके बाद अपराधी को घेराबंदी कर इनकाउंटर में मार गिराया।